उषा रानी जी, स्वागत है आपका हाँ जी मैम, जी। बताएं, सवाल करें। मेरे पैरों में ना बहुत जलन है, बहुत ज्यादा जलन है, और 4-5 साल से मेरे को शुगर भी है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र 52। अच्छा देखिए, डायबिटीज के लोगों को पैरों में अक्सर जलन होती है। डायबिटीज कंट्रोल करना तो अनिवार्य है, उसके बगैर आदमी जी नहीं सकता। और ये कभी जलन अगर ज़्यादा हो तो ये डायबिटीज़ की वजह से नहीं, बल्कि कमर में नर्व दब जाती हैं जो पैरों तक जा रही हैं, उसकी वजह से जलन होती है। तो डायबिटीज़ का तो आप दवा लेते हैं, फिर ये जलन क्यों है? तो कमर में नर्व दबी हुई है, इसकी वजह से किसी के पैर सुन्न होते हैं, किसी को दर्द होता है, किसी का खिंचाव होता है, और ये दो तीन कैफियत होती है। तो एक तो वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ किया करें आप, कुर्सी वाला शौचालय, और गौंद सिया आधा आधा ग्राम 2 बार खाने के बाद आप ले सकते हैं पानी या दूध से। और अगर 6-7 महीना इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये रोग बहुत देर में जाता है, 6-7 महीना लगातार इस्तेमाल करेंगे तो आपको फायदा मुमकिन है। कुरुक्षेत्र से हैं सुधा जी, स्वागत है आपका। डॉक्टर जो है ना वो, मैं तकरीबन जो है ना वो सिंधा नमक ही यूज करती हूँ। टाटा नमक आ रहा था, मैंने सब बंद करा दिया घर में। और देसी घी या सरसों का तेल, देसी घी भी घर का जो निकलता है प्योर वाला, वो या सरसों का तेल। तो डॉक्टर ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं, एक जैसा नमक नहीं खाना चाहिए, सिंधा नमक नुकसान देता है, पथरी कर देता है, और जो है ना ये इस्तेमाल करना। हमारे घर में तो पहले देखते मोटा नमक आता था, और फिर हम वो चक्की में पिसवाते थे, पहले उसमें मांजिस्ते में कुटवा लेते थे, फिर चक्की में पिसते थे, इकट्ठा जाता था, एक एक मन दो दो मन इकट्ठा करवा के रखवा लेते थे सर्वेंट से। ये जी बताइए क्या ये बात कहाँ तक सही है? और दूसरा सवाल ये है, कलौंजी का नमक और जैतून का नमक दोनों ही बेहतर है? कलौंजी का नमक का बताते हैं कि सिवाय मौत के किसी और चीज का इलाज नहीं है, सब चीज का इलाज है सिवाय मौत के। तो सर जैसे वेट के लिए आजकल आप जैतूनी नमक ज्यादा बताते हैं, तो कलौंजी का नमक भी लें तो वही फायदा करेगा, ठीक है, या कुछ जैतूनी नमक में खास बात है? ठीक है मैम। देखिए, जब हमें कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी होती है तो हमें पुरानी चीज़ की बुराई करनी पड़ती है। आपने देखा होगा वो दौर, मैंने भी देखा अपनी आंखों से, कि पंसारी की दुकान के बाहर बोरी रखी रहती थी पूरी गौनी नमक की, बगैर पिसे नमक की, और वो ही इस्तेमाल होता था। और वो नमक इतना सस्ता था कि पंसारी ने कभी उस नमक की बोरी को दुकान के अंदर रख के ताला लगा के नहीं गया रात को, ये मैंने खुद देखा। फिर वो नमक आ गए महंगे वाले, के ऐसा नमक और वैसा नमक, और ये शामिल है उसमें, वो मौजूद है, लेकिन रोग को कुछ फायदा नहीं है। नमक आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, और कोई कहता है आयोडीन वाला नमक, तो कोई, तो फिर हम जब तक इस नमक की जो पहले से बिकता है बुराई नहीं करेंगे तो इसको हमें लेगा कौन? लेकिन नमक में बिल्कुल बुराई नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये और बात है कि आप कोई स्टैंडर्ड नमक इस्तेमाल करें, लेकिन ये नमक भी अच्छे होते हैं, हमारी परवरिश वही नमक खाकर हुई है। यही जो कुछ जो राई का तेल, आप सरसों का तेल कह रही हैं, वही खाया है हमने, और आज तक भी बुढ़ा होने के बावजूद आज तक भी मेरे जोड़ों में दर्द नहीं हुआ। अब सरसों का तेल खाया है, और वो सब चीज़ें खाइए जो एक गांव वाला खा सकता है, और अच्छा करते हैं आप। फिर घर की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, देसी घी इस्तेमाल करते हैं, घर का नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कभी नुकसान नहीं देते। मैं ताज्जुब करता हूँ कि मैं हकीम हूँ तो क्या हुआ, मेरे भी दर्द होना चाहिए ना,
घुटनों में, कमर में, लेकिन कभी आज तक नहीं हुआ। ये प्राकृतिक चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो गांव में असली पाई जाती हैं, और मुझे पता है कि आप भी असली चीज़ों की शौकीन हैं। बिल्कुल।